नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो भी आपने पहले देखा, यह साइक्लोन यास है जिसकी वजह से पेड़ तिनके की तरह हवा में बह गया। अब यह कोलकाता के हावड़ा का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि साइक्लोन किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। समुद्री लहरें उठ रही हैं और यह पानी अपने आप में सब कुछ समेटते हुए ले जा रहा है। पुल के पास पहुँचा है, यहाँ देख सकते हैं कि भारी नुकसान हुआ है। इस वजह से शहरी इलाकों में यह पानी इतनी तेजी से प्रवेश कर गया है कि घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। हालात यह हो गए हैं कि कई जगह पर पानी घरों में प्रवेश कर गया है। जलीय जंतु जिसमें मगरमच्छ भी शामिल हैं, वह भी तैरकर शहरी इलाकों में प्रवेश कर गए हैं। हम आपको अगले आप वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से जो मगरमच्छ है वह शहरी इलाकों में पानी के साथ आ गए हैं और तैर रहे हैं। इसके अलावा कारें, घर, मकान सब कुछ पानी में डूब गया है। काफ़ी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है। फिलहाल आज उम्मीद की जा रही है कि साइक्लोन का असर तो कम हो गया है, लेकिन कई राज्यों में इसके चलते भारी बारिश होने की संभावना है, जिसमें उत्तर प्रदेश समेत तमाम कई राज्य शामिल हैं। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि आज कई राज्यों में साइक्लोन यास के चलते भारी बारिश होने की संभावना है। अभी बारिश इस साइक्लोन का असर कम नहीं हुआ है, कई जगह जल भराव होने से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत के हर कदम उठाए हैं। आप देख सकते हैं ये शहरी इलाके हैं जहां पर तेज हवाओं के साथ जो पानी है वह प्रवेश कर गया है। इसके अलावा ये मगरमच्छ जो आप देखेंगे, यह भी पानी के साथ शहरी इलाकों में आया है और दिख रही है किस तेजी से जा रहा है। मार्केट संवाद आपको कई राज्यों के फुटेज दिखा रहा है।